हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 रुपये से कम वाले स्टॉक, मतलब 50 रुपये से भी कम में आपको ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखिए, पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का वैसे अगर बात करूँ कोई फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं कि देखिए, कुछ कुछ जेम निकल जाते हैं वो एक अलग बात है, बट हर चीज़ को देखना पड़ता है। आपको जो पैसे बनेंगे ना, हमेशा बड़े स्टॉक्स में बनेंगे। बड़ा स्टॉक्स आप सोचते हो कि क्या कहते हैं, 1 रुपये वाला मैं 100 शेयर ले लूँगा, 100 रुपये वाला 1 किलो पाऊँगा, तो वो डिफ्रेंशिएशन करना बिल्कुल भूल जाइए। ओके, 100 रुपये वाला 1 शेयर लोगे और वो 10% बढ़ेगा, 10 रुपये बढ़ेगा। बट 1 रुपये वाला ओके, आप 100 शेयर लोगे, 10 रुपये बढ़ेगा, तो वो ना के बराबर ही बढ़ेगा और उसके 10% बढ़ने का चांसेस बड़ा कम होता है। और फिर उसमें अगर बढ़ भी जाता है, लार्ज अपर सर्किट लगते हैं, फिर वो फंसने वाली बात होती है, वहाँ पर फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और 100 रुपये की भी बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन शेयर नज़र आते हैं, जो कि 300, 500, 1000, 4000 रुपये तक भी शेयर आते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड, बड़े शेयर तो नहीं बट छोटे शेयर से रिलेटेड, मतलब 50 रुपये से कम की जो शेयर है और जो अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव है, जो आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें एज वेल एज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। आज की डेट में बात करें तो सीएट टायर से रिलेटेड, और कल की डेट में के काफ़ी कंपनी के रिजल्ट आए थे, तो आज यहाँ पर वीडियो बनाई गई है, तो इस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और हाउ टू फाइंड टारगेट ऑफ एनी स्टॉक्स, तो इसे भी देख लीजिएगा। सिम्फनी का ब्रेकआउट है, उसे भी देख लीजिएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, तो इन्हें देख लीजिए, इनकी वीडियो को देख लीजिए, तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज एज वेल एज फायदा होता हुआ आगे नजर आ सकता है। बाकी बाइंग सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आगे भी अब भी आप अपनी ड्यू डिलीजेंस करके, खुद की स्टडी करके ओके, तभी कोई पोजीशन बनाइए। ये नॉलेजेबल वीडियो है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला नाम आता है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखिए, अभी ही ये शेयर मार्केट में एग्जिस्ट हुए, अभी ही इनका IPO आया, अभी ये लिस्ट हुए, तो इसलिए ज्यादा यहाँ पर चार्ट पैटर्न और सब चीज हमारे पास नहीं है, डिटेल्स नहीं है, बट काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अट्रैक्टिव लगती है। तो IRFC का काम क्या है यहाँ पर, इसका काम है लोन देना किसी इंडियन रेलवे को। तो यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप कंपनी है, 30,515 का मार्केट कैप है, यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा दिखा रहा है, तो इनका काम ही डेट का है, तो इसलिए यहाँ पर दिखाएगा। इस पैरामीटर को छोड़ दीजिए। प्लस की बात करें, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लस नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर ये शेयर नज़र आता है। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और भी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर 2 दिसंबर 2019 2 सितंबर 2020, यहाँ पर अच्छा खासा पैरामीटर नहीं है, बट यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ गया। जब एक बार यहाँ पर ये ओपन हो गया इंडियन रेलवे, तो यहाँ पर मरम्मतें भी चालू होगी, फाइनेंस भी लेगा, उसके बाद ये शेयर भागता हुआ नज़र आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बैट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। ओके, और तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है, यहाँ पर प्रॉफिट बात करें तो वो भी बढ़ते इंक्रीजिंग मैनर में है। यहाँ पर पिछले 4 साल की बात करें, तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर ये चीजें अट्रैक्टिव लगती है, तो इसे यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। रिजर्व्स अच्छा खासा है, 20,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। बोराइंग, तो ऑब्वियसली बात है, बोराइंग तो देगी कंपनी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 12 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट है, कैश अच्छा है, यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट 101 करोड़ का है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो है। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर होल्डिंग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर बात करें, यहाँ पर देख लीजिए 86% है। FIs का 1%, DIs के पास 4% और पब्लिक के पास 7% की हिस्सेदारी है। और अगर बात करें, यहाँ पर OFS भी बीच में आ सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, नहीं भी चाहेगी तो नहीं भी आएगा, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में वो 75% से 100% तक शेयर रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये इनके लिए एक्सेप्शन होता है। बाकी अगर बात करते हैं, यहाँ पर OFS आने की भी संभावना हो सकती है अगर डाइवेस्टमेंट हुआ तो। IRFC को चॉइस, फर्स्ट चॉइस रखी है। इसके अलावा अगर बात करें ट्राइडेंट भी एक बेहतरीन कंपनी नज़र आती है, चार्ट पैटर्न काफ़ी यहाँ पर अच्छा नज़र आता है अगर बात करें। और ये पैनी स्टॉक है भी नहीं, यह बीच में आई थिंक स्प्लिट हुआ था, जिसकी वजह से ये शेयर यहाँ पर इस प्राइस में आपको मिल रहा है, लगभग 16 रुपये। ROC की बात करें, तो यहाँ पर स्टैंड पर की ROC है और 46% के आसपास का यहाँ पर प्लेज है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट की बात करूँ 46% है। और बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर कंपनी की, यहाँ पर सेल्स की, तो देखिए सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर 1345, और बीच में ये शेयर भी काफ़ी 6-7 रुपीज़ पर वीडियो
वीडियो बनाई थी R16 पे, तो इस चीज़ को थोड़ा देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 237 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ओके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, बीच में ऊपर नीचे होता रहता है। बट अगर छोटे कंपनी की बात करें थोड़ा सेफ साइड खेलने की, तो यही कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सेफ साइड में आ जाएगा। बाकी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनमें अपर सर्किट लगता रहता है जो कि अच्छे खासे बढ़ते रहता है, तो वो एक अलग मैटर हो जाएगा। जहाँ पर रिस्क आपको बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, सॉरी रिस्क भी ज़्यादा है रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, और यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल आता है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर सेल्स यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी दिखा रहा है, अच्छे खासे बढ़ते हुए सेल्स दिखा रहा है। यहाँ पर दो एक साल से अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, बट स्टिल अगर बात करें अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर बात करें हाईएस्ट एवर पिछले दो तीन ईयर्स में अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई है, रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोराइंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए 3500 करोड़ की बोराइंग, आज की डेट में 1500, तो कर्ज कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट है, कैश अच्छा खासा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% की होल्डिंग है। देखिए सितंबर में बल्कि उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। FIIs के पास भी है, अगर बात करते गवर्नमेंट के पास भी है, पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक में भी शायद HNIs के पास यहाँ पर होल्डिंग अच्छी खासी है। यहाँ पर देखिए अलग अलग लोगों ने ले रखे, बाकी अगर बात करें यहाँ पर 16% की होल्डिंग होगी पब्लिक की, बाकी सारी होल्डिंग यहाँ पर अच्छे खासे हाथों में। तो ट्राइडेंट इसे अपने रडार पर रखिए। ऊर्जा ग्लोबल यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड या फिर EV के सेक्टर में भी आ रहा है, तो यहाँ पर शायद ये शेयर आपको अलग इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो देख सकते हैं, ये चार्जिंग स्टेशन बनाती हुई नजर आती है। डेट की बात करें ना के बराबर डेट है 2% का। मार्केट कैप स्मॉल बिल्कुल, ये माइक्रो कैप कंपनी है, कोई भी प्राइजिंग नहीं है, डेट रिडक्शन हो रहा है, सेल्स यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, 38 करोड़ की सेल्स है, प्रॉफिट भी कंपनी प्रॉफिट में ही चलती है। यहाँ पर देख लीजिए ईयरली बेसिस पर ही बात करें तो भी कंपनी प्रॉफिट में, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपए का साल में। अगर बात करें रिजर्व्स की, अच्छा खासे रिजर्व्स है। डेट की बात करें 4 करोड़ के आसपास का डेट है ना के बराबर। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, कैश फ्लो अच्छा खासा है, ओके ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के पास आ रहा है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कैश फ्लो तो नेगेटिव में है, सॉरी अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग 31%, FIIs भी इसमें हिस्सेदारी है 0.43, DIIs की बात करें ये लॉन्ग टर्म की बैट है, और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 67% की में ही की होल्डिंग है, बट इसमें भी HNIs वगैरह यहाँ पर बीच में हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल एक दूसरा बैट आता है, 3 रुपये पे शेयर था तब लगभग बताया था, आज की डेट में 6 रुपये पे शेयर है। इसके अलावा वक्रांगी की बात करते हैं, ये भी शेयर 20 रुपये के आसपास बताया था, 60 रुपये पे जाके आया था, अभी 47 पे चल रहा है। डेट फ्री कंपनी है ये प्लेजिंग, बट बीच में यहाँ पर कुछ इशू हुए थे, यहाँ पर SEBI ने यहाँ पर बैन कर दिया था, ओके उसकी वजह से शेयर यहाँ पर गिरता हुआ भी नजर आया। बैन इन द सेंस अगर बात करें यहाँ पर कुछ केसेस हुए थे इसकी वजह से। अगर बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 500 रुपये पे शेयर चलता था, फिर आज के डेट में आज केवल 50 रुपये का शेयर है। बट यहाँ पर उन सभी चीज़ों से रिहा कर दिया गया है, ओके किसी तरीके का भी केस नहीं है, बट स्टिल लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डरते हैं बड़े बड़े, इस वजह से यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर ज़्यादा आते नहीं है यहाँ पर, इसलिए शेयर भागते हुए नजर नहीं आता। बट स्टिल अगर बात करें 20 रुपये पर शेयर था, 60 रुपये तक जाके आया, तो अच्छे खासे रिटर्न दिए। सेल्स की बात करें 55 करोड़ की सेल्स है, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर ये छोड़ दीजिए ये वाला मैटर, यहाँ पर तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आधार से रिलेटेड जो भी काम होता है ये कंपनी करती हुई नजर आती है। प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो प्रॉफिट भी देखिए लगभग फ्लैट ही नजर आ रहा है, कुछ खास है नहीं कंपनी के पास क्योंकि इनके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है। रिजर्व्स की बात करें यहाँ पर रिजर्व्स अच्छे खास है, डेट फ्री कंपनी है, बस एक यही फायदा है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 29 का, फ्यूचर में कभी अच्छा हुआ तो शायद ये कंपनी भागती हुई नजर आ सकती है, कुछ प्रोजेक्ट अच्छे खासे आए तो उस केस में। अगर 42.64% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, FIIs ने देखिए हिस्सेदारी यहाँ पर 9% की हिस्सेदारी है, DIIs की बात करें 6% की, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पर 41% की हिस्सेदारी लगती है, उसमें से भी कुछ यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड वगैरह है उन्होंने ले रखी है, अदरवाइज अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास भी है। तो ये कंपनी नज़र आती है वक्रांगी, बट रिस्क है इसमें। इसके अलावा रेल विकास निगम एक ये 30 रुपये का स्टॉक नज़र आता है, 88% के आसपास का यहाँ पर डेट है, इस चीज़ को देखना है। और 0 प्लेजिंग है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार ट्रेन चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है और भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट कंपनी के पास है, बुक वैल्यू मतलब बात करें बुक ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी खासी है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, सब चीज़ यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। तो इसकी तरफ भी
आप ध्यान दे सकते हैं, रिजर्व्स है, बोराइंग कंपनी देखिए धीरे धीरे कम कर रही है, तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 78 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, FIIs है, DIIs है, DIIs ने तो देखिए इस क्वार्टर में लगभग 8% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान में दे सकते हैं। 8% की LIC ने हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है, OFS आया था बीच में, तो उसकी वजह से। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर 11% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास भी है, तो RBNL की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा एक और शेयर है जेनिथ, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये शेयर 3 रुपये के आसपास था तब बताया था, अच्छा खासा 13-14-15 रुपये पे गया था, फिर उसके बाद गिरावट, उसके बाद अपर सर्किट लोअर सर्किट में ये चलता है, तो इसलिए बाकी डेट फ्री कंपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो इसे पोर्टफोलियो में रख लीजिए, कोई भी घाटा नहीं है, फ्यूचर में कभी बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, वरना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करिए, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है और प्रॉफिट में ही कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लैक्स में ही है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, करोड़ में ही है। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व्स भी है कंपनी का, डेट फ्री कंपनी है, तो डेट फ्री होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्टिवनेस नज़र आती है, बाकी नथिंग एल्स ऐसा कंपनी के पास, मतलब अपर सर्किट में ही या लोअर सर्किट में ये शेयर चलता रहता है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, DIIs की होल्डिंग है, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ के यहाँ पर HNIs को निकाल दें तो फिर भी यहाँ पर 65 के आसपास यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग नज़र आती है, तो पब्लिक यहाँ पर एग्रेसिव है, बाकी HNIs यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर खेल करते रहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं डेन नेटवर्क, यहाँ पर कुछ अभी रिस्की स्टॉक में आ जाते हैं तो इनको रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें चेंज हुई है इस वजह से, बीच में वीडियो भी बनाई थी इससे रिलेटेड, तो आप उसे देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। डेट देखिए 0 डेट है, प्लेजिंग यहाँ पर 0 है, माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी है, ओके, ROCE 6% ही है, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर इस किस वजह से बता रहा हूँ तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोमोटर्स की वजह से। यहाँ पर अगर बात करें प्रोमोटर्स की, यहाँ पर जियो के पास ये कंपनी आ गई है, जियो मैनेजमेंट में है, तो इस वजह से मैं ये इस कंपनी को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और FIIs के पास भी देखिए, FIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, ये इस चीज़ को थोड़ा सा मैटर कर सकती है चीज़ें। OFS भी बीच में आया था। यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें और रिजर्व्स अच्छा खासा है, डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है, और यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें देखें तो यहाँ पर देखिए कंपनी नेगेटिव से यहाँ पर देखें नेगेटिव में से सीधे पॉजिटिव में आ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट अपने आप को ठीक, मतलब मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी धीरे धीरे चेंज हो सकती है और आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड, तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, इसे बताने का रीज़न भी क्या है, इसे बताने का रीज़न भी सेम है, यहाँ पर प्रमोटर्स में कौन है, जियो रिलायंस, मतलब रिलायंस यहाँ पर प्रमोटर्स में, यहाँ पर FIIs ने DIIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, ओके, पब्लिक ने होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ पर रिजर्व्स भी, डेट फ्री कंपनी अपने आप को बना दिया है, सबसे पहले आती साथ डेट फ्री किया है इसे कंपनी को। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व अच्छे खासे है, कैश इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, और धीरे धीरे जिस तरीके से जियो बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है इन कंपनीज़ को भी हैथवे और जैन को फ़ायदा हो सकता है। नेगेटिव में अभी तक परफॉर्मेंस था, मैनेजमेंट चेंज हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट में कंपनी आ गई, तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया है। बाकी आप बात करें यहाँ पर जयप्रकाश पावर, यहाँ पर बताने के पीछे यही एक ही रीज़न है, ये अपर सर्किट लोअर सर्किट 3 रुपये के आसपास ये शेयर था तब बताया था, और 4-4.5 तक गया था, फिर उसके बाद नीचे आ गया। प्लेजिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की है, और ये 6 रुपये के टारगेट तक मैंने रखा हुआ है, और बात करें यहाँ पर डबल हो जाएगा, चुपचाप निकाल देंगे से, यहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट में ही खेल चल रहा है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, ओके, यहाँ पर सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो है रिजर्व्स, यहाँ पर अगर बात, सॉरी रिजर्व्स नहीं, यहाँ पर रिजर्व्स तो देखिए पॉजिटिव है ही, बोरिंग यहाँ पर लगभग 32,000 करोड़ की बोरिंग थी जो कि 5,000 की रह गई है, मतलब कंपनी अपने आप को, मतलब फिक्स एसेट की बात करें, फिक्स एसेट में से चुपचाप बेच के यहाँ पर बोरिंग चुका रही है कंपनी, और अच्छा खासा आगे चल के शायद अच्छा खासा परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर अगर बोरिंग की बात करें, बोरिंग की वजह से कितना यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता, देखिए यहाँ पर 2700 करोड़ 2800 करोड़ तो केवल इंटरेस्ट जाता था इनका, जो कि इंटरेस्ट अगर कम जा रहा है वो सीधे प्रॉफिट में यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको ये कंपनी बताई गई है। FIIs ने होल्डिंग 0.63 है, DIIs की होल्डिंग यहाँ पर अच्छे DIIs भी है यहाँ पर देख सकते हैं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास, पब्लिक में भी यहाँ पर अच्छे खासे, मतलब यहाँ पर बात करें ये कंपनी अपने आप को धीरे धीरे शायद ठीक करती हुई नजर आ रही है, हो भी सकता है अच्छा खासा ये कंपनी आगे चल के परफॉर्म करे। तो ये कुछ कंपनी थी जिससे रिलेटेड वीडियो थी, जेनिथ हेल्थ केयर, जयप्रकाश, हैथवे, डैन, रेल विकास, ओके, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल, ट्राइडेंट,
IRFC, तो ये कुछ कंपनीज है जो आप अच्छी खासी लगती है 50 रुपये से कम वाले स्टॉक्स में, तो इन कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कुछ भी पोजिशन लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को भी कम शेयर करिए, उन्हें कनेक्ट कराइए और उन्हें बताइए कि शेयर बाजार में यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा नॉलेज ले सकते हैं। बाकी बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।